हरे कृष्णा राधे राधे। देखो हम सभी जानबूझकर तो कोई पाप करना नहीं चाहते, पर फिर भी बहुत सारे पाप हमसे अनजाने में हो ही जाते हैं, जैसे झाड़ू में चींटी आदि का मर जाना। इसी विषय में एक माता जी ने हमारे पास मैसेज किया था, जिसमें वो कह रही थी कि उन्होंने निर्जला एकादशी पर व्रत किया और वो अपने घर पर एक चेयर पे आराम से बैठी हुई थी। अचानक उनके सर में थोड़ी खुजली सी हुई और उन्होंने जैसे ही सर पर हाथ फेरा, उनके हाथ में एक जुआ गया जिसे उन्होंने उसी समय मार दिया। जैसे एक भक्त ने हमारे पास मैसेज किया था कि वो मंदिर में कीर्तन में बैठे थे, तभी गलती से एक मकड़ी को पीछे करते हुए मकड़ी पूरी तरह से घायल हो गई और वो मकड़ी उनके सामने तड़प रही थी, तो उस बेचारी को मुक्ति देने के लिए उनसे वो तड़पती मकड़ी ऐसे देखी नहीं गई और उन्होंने उस समय उस मकड़ी को मार दिया। ऐसी एक माता जी का और मैसेज आया था कि उन्होंने घर में पिंजरा लगाया जिसमें एक छोटी सी चुहिया फंसी। वो चुहिया छोड़ने घर से बाहर नहीं जा पा रही थी, इसलिए उन्होंने बालकनी से जैसे उस चुहिया को नीचे फेंका तो वो जमीन पर उछली। जैसे ही तभी सामने से कोई एक गाड़ी आ रही होगी और गाड़ी के नीचे वो चुहिया आ गई और मर गई। ऐसा ही बहुत सी घटनाएं हमारे साथ भी हो जाती है, जो हम करना नहीं चाहते पर फिर भी अनजाने में कुछ ऐसी परिस्थिति बनती है कि ऐसा हो जाता है, जिसका हमें बाद में पश्चाताप भी होता है। तो अब सबके मन में ये प्रश्न आता है कि अनजाने में किए हुए पाप का प्रायश्चित कैसे होता है, क्या इन पापों की सजा भी हमें मिलेगी? तो देखो उत्तर आप खुद दे रहे हो। आपसे एक क्रिया हुई, एक काम हुआ, मतलब वो अच्छा है या बुरा कैसा है, वो आपके दिल ने खुद से बताकर उस काम को पाप का नाम दे दिया है ना। वरना जैसे अगर मैं कहूँ मैंने खाना खाया, तो मैं अपने कहूँ ना मैंने एक पाप किया, मैंने खाना खाया, नहीं ना। तो अपने ये काम हमसे जब हो जाता है तो हम उसको खुद हमारा मन कह देता है कि भाई हमने पाप कर दिया, इसलिए इसकी सजा तो है। हम जो भी कर्म करें, मानसिक वाचिक कायिक, जाने में अनजाने में, इन सब का परिणाम हमें भोगना ही पड़ता है। इसी विषय पे मैं आपको एक टिप्पणी देना चाहूंगी। श्रीमद् भागवत महापुराण के षष्ठम स्कंध में महाराज परीक्षित जी ने श्री सुखदेव जी से ऐसा ही प्रश्न किया था। महाराज परीक्षित जब सुखदेव जी से श्रीमद् भागवत कथा सुन रहे थे, तब उन्होंने सुखदेव जी को बोला, हे भगवान, आपने पंचम स्कंध में जो नरकों का वर्णन किया है उसको सुनकर तो गुरुवर मेरे रोंगटे खड़े हो गए हैं। प्रभुवर, मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ कि यदि कुछ पाप हमसे अनजाने में हो जाते हैं, जैसे चींटी मर जाती है चलते हुए, या जब हम लोग श्वास लेते हैं तो कितने जीव श्वासों के माध्यम से मर जाते हैं, भोजन बनाते समय लकड़ी जलाते हैं उस लकड़ी में भी कितने जीव मर जाते हैं, और ऐसे ही कई पाप जो अनजाने में हो जाते हैं, तो उस पाप की मुक्ति से हमारा क्या उपाय है? अब राजा परीक्षित जी की ये बात सुनकर आचार्य सुखदेव जी ने कहा, राजन, ऐसे पापों से मुक्ति के लिए रोज मनुष्य को 5 प्रकार के यज्ञ करने चाहिए। अब ये सुनकर महाराज परीक्षित जी बोले, भगवान, यदि कभी एक यज्ञ कराना पड़ता है तो भी सोचना पड़ता है, आप रोज 5 यज्ञ करने को कह रहे हैं। अब राजा परीक्षित को यहाँ पर आचार्य सुखदेव जी उत्तर देते हुए हम सभी जीवों के कल्याण करने की कितनी सुंदर बात बता रहे हैं, सुनिए आप प्रेम से। सुखदेव जी बोले, राजन, पहला यज्ञ है जब घर में रोटी बने तो पहली रोटी गौग्रास के निकले। दूसरा यज्ञ है राजन, चींटी को रोज 5-7-10 ग्राम आटा रोज वृक्षों की जड़ों में डालना ही चाहिए। तीसरा यज्ञ है राजन, पंछियों को रोज अन्न देना। चौथा यज्ञ है आटे की गोली बनाकर जलाशय में मछलियों को डालना। पांचवा यज्ञ है भोजन बनाकर अग्नि को उस भोजन से जिमाना, मतलब रोटी बनाकर उसके टुकड़े करके उसमें थोड़ा सा घी चीनी मिलाकर अग्नि को भोग लगाए, बहुत छोटा सा चीज। इसके अलावा राजन, अतिथि सत्कार खूब करें, कोई भिखारी आए तो उसे झूठा अन्न कभी भी भिक्षा में ना दे, कभी खुद भोजन करने बैठे और कोई आ जाए तो उसे साक्षात नारायण का रूप समझकर उन्हें भोजन के लिए आमंत्रित करें, उन्हें प्रेम से भोजन खिलाएं। राजन, ऐसा करने से हमारे अनजाने में किए हुए पापों से मुक्ति मिल जाती है, हमें उसका दोष नहीं लगता, उन पापों का फल हमें भोगना नहीं पड़ता। अब इसके बाद राजन ने पुनः पूछा, भगवान, यदि गृहस्थी में रह के ऐसा यज्ञ ना हो पाए तो क्या कोई और उपाय भी है? तब यहाँ पर श्री सुखदेव जी कहते हैं, राजन,
नर्क से मुक्ति पाने के लिए हम पे प्रायश्चित करना चाहिए। कोई व्यक्ति तपस्या के द्वारा प्रायश्चित करता है, कोई ब्रह्मचारी व्रत का पालन करके प्रायश्चित करता है, कोई व्यक्ति यम नियम आसन के द्वारा प्रायश्चित करता है। लेकिन राजन, मैं तो ऐसा मानता हूँ कि चित केवलाय भक्तल्ले वासुदेव परायणाय। राजन, केवल हरि नाम संकीर्तन में ही जाने और अनजाने में किए हुए पापों को नष्ट करने की सामर्थ्य है। इसलिए हमेशा, कभी भी, कहीं भी, किसी भी समय सोते जागते उठते बैठते भगवान का नाम जाप रटते ही रहना चाहिए। अब सुखदेव जी की बातों से हमें भी अपने कल्याण के लिए प्रेरित होना चाहिए। रामायण जी में भी लिखा है, कलयुग केवल नाम आधार। इसलिए ज्यादा से ज्यादा नाम जाप करो। नाम जाप करने से ही हमें प्रभु प्रेम, भक्ति, मुक्ति, ठाकुर जी की कृपा प्राप्त हो सकती है। राधे राधे।